हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने कॉलेज अपडेट्स में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे सामने आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये बेसिकली ये SOL के बाहर की है, जहां ये इंक्वायरी रूम बना रखा है उन्होंने, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्लिप वगैरह लेके जाते हैं और उनसे इंक्वायरी लेते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर जो भी इसे कह लो। तो बेसिकली मैंने इसे क्यों लगाया, ताकि आप देख सको कि कितनी भीड़ वहाँ नॉर्थ कैंपस में लगी हुई है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये सेटअप कैसा लगा आपको। बाकी अब बात कर लेते हैं ER वालों के रिजल्ट का क्या हुआ। जैसे कि मैंने डिक्लेयर, जी हाँ, मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप 15 तारीख हो चुकी है, तो जितने भी ER के जो रिजल्ट है वो सारे अपडेट कर दिए गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया और काफ़ी अच्छे उनके कमेंट मुझे लगे, तो मैं उन सबको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा जो ER थी जिनकी अब वो पास हो चुके हैं, और उन सबको काफ़ी बधाई। और आज वैलेंटाइन डे भी है, कहीं ना कहीं आपके फेस पे वो स्माइल में देख सकता हूँ जो पास हो चुके, जिनकी पहले ER शो हो रही थी, प्रॉब्लम मार्कशीट में आ रही थी, वो कहीं ना कहीं पास हो चुके, कहीं ना कहीं अब ER के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिनके ER के रिजल्ट अपडेट नहीं हुए या डिक्लेयर नहीं हुए, उनका क्या होगा। देखिए, जैसा कि SOL की तरफ से 15 तारीख तक का टाइम दिया गया था ER के लिए, अब कहीं ना कहीं जिनके अपडेट नहीं हुए, अब कहीं ना कहीं उनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आज या कल में जल्दी आपको कंफर्म कर दूंगा कि आपके जो एडमिशन फॉर्म है एक्स स्टूडेंट के, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए आप वो रहिए, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पहली बात, अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, निकल गई डेट, तो ऐसा नहीं है, अभी आपके एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। जैसे ही होंगे मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, आज या कल में आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के द्वारा दे दूँगा। बाकी ER का रिजल्ट जितने आने थे वो आ चुके, अब आगे आएंगे इसका भी कुछ पक्का नहीं है, जैसे जैसे अपडेट होगा मैं आपको बताऊँ। बाकी आज तक का अपडेट यही है कि ER का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब जिनके नहीं आए, अब वो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर हमारा तो हुआ नहीं। देखिए, कई ऐसे स्टूडेंट जिनके हो गए, वो मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करेंगे। आप जो स्टूडेंट ER जिनकी क्लियर हुई है, आप उनको ज़रूर बताइएगा कि आपके पहले कितने नंबर थे और अब कितने हो गए जब आप पास हुए। तो कहीं ना कहीं अब उनको ये लग रहा होगा कि हम पास क्यों नहीं हुए। अब देखते हैं SOL की तरफ से जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अब AB और RA वालों का भी रिजल्ट जो है वो 19% जो रिजल्ट है वो आपका आ चुका है। जी हाँ, 90% रिजल्ट आपका आ चुका है RA और AB वाला। अब बात कर लेते हैं कि अभी जो जिन स्टूडेंट के जो रिजल्ट है, मतलब जो एक्स स्टूडेंट के जो रिजल्ट अभी आया, अगर उनको RA और AB की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम करें, आप जहाँ से रिजल्ट अपना देखते हैं, जैसे SOL मार्कशीट का जो पोर्टल है, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक दो हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी, RA AB एक्स, पहले तो लिखा रहेगा एक्स स्टूडेंट रिजल्ट हैव बी डिक्लेयर, नीचे क्लिक हेयर का लिंक शो कर रहा होगा वहाँ पे, उस पर लिंक पे जाके आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे लॉगिन करना हो, वहीं पे अपनी आंसर शीट सबमिट कर दी है, वहाँ पे सारा बता रखा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। बेसिकली यार SOL की साइड सुबह से काफ़ी प्रॉब्लम भी कर रही है, क्योंकि कई स्टूडेंट के वहाँ मैसेज भी आया। तो देखिए, अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोविजनल का भी अभी उन पर काम चल रहा है जो ग्रेजुएट हो चुके, तो आपके प्रोविजनल भी जल्द से जल्द आ जाएंगे, उसकी आप निश्चिंत रहे। बाकी अब जिनके अभी भी RA और AB की प्रॉब्लम आ रही है, अरे वो जल्द से जल्द अपडेट हो जाएंगे, आपको कहीं अभी जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपनी आंसर शीट सेंड कर दिया तो आप सब वेट कीजिए, आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका भी जो RA AB है वो आपके मार्क्स में आपके बदल जाएंगे जल्द से जल्द, आपको कहीं जाने की SOL जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 तारीख तक का टाइम दिया था। आज शाम तक भी काफ़ी रिजल्ट और भी रिजल्ट अपडेट होंगे ER वाले RA वाले, पर ये मान लीजिए आज ही सारे रिजल्ट आपके डिक्लेयर कर देंगे SOL वाले। बाकी आपने काफ़ी SOL का सपोर्ट किया, जो स्टूडेंट SOL के साथ कॉलेज अपडेट्स के साथ जो जुड़े हुए थे, आपने काफ़ी कॉलेज अपडेट्स का सपोर्ट किया, और आप, मेरी आशा है कि आप आगे भी सपोर्ट देंगे तो ही ये चैनल आगे कंटिन्यू रहेगा। बाकी आप अपनी राय भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प हो
तो उसके लिए मैंने सारे लिंक नीचे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। मेरा फेसबुक इंक्वायरी पेज भी है, वहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैनल भी है, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। बाकी यूट्यूब का कमेंट बॉक्स तो है ही। बाकी अगर आपके रिजल्ट में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसे समझने की और सॉल्व करने की जितना मुझसे हो सकता है। और अगर आप नॉर्थ कैंपस जा सकते तो देख ही लीजिए, मैंने आपके सामने फ़ोटो रखी दी है, यही रूम है, इसी रूम में सारा काम बताते हैं। अगर आपको ER आई है, आप यहाँ जाओगे, उन्हें पर्चा दिखाओगे या मार्कशीट दिखाओगे, वो बता देंगे कि ये है वो है, और आप निकल जाओगे। बाकी अब कुछ नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक्स स्टूडेंट के एग्ज़ाम कब होंगे उसके लिए भी मैं आज से कल तक जल्दी से जल्द अपडेट दे दूंगा एडमिशन का। बाकी अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप निश्चिंत रहे कि आपको डरने की गुजरने की, आपको ये लग रहा है एडमिशन हमारे निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है, एडमिशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। जैसे होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो पास हो चुके हैं, जिनकी ER से ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो कमेंट जरूर कीजिए। और उन स्टूडेंट को भी वो स्टूडेंट जरूर समझाए जो पास हुए और जिनके भी ER अपडेट नहीं हुई, कि उनके पहले कितने नंबर थे अब कितने हुए, ताकि उनको भी लगे कि यहाँ कहीं ना कहीं ER अपडेट हो रहा है। और बाकी आज शाम तक कितने ER अपडेट होते तो मैं ज़रूर बताऊँगा। आज के बाद मैं वीडियो नहीं रखूँगा। आई होप आपको वीडियो सारी समझ में आई होगी। तो थैंक यू।